हेलो दोस्त, ये है लवली किचन। तो आज हम लेके आए हैं लड्डू। तो ये लड्डू किस तरह से बनाए हैं देख लीजिए। तो ये बनाने के लिए पहले हम पैन दिए हैं चूल्हा पर, और फिर एक चम्मच घी दे दिए हैं, और फिर यहाँ पर काजू और बादाम छोड़ दे रहा है। तो दोनों हम बढ़िया से चलाएंगे, जब तक एक कलर थोड़ा बदल ना जाए तब तक हम चलाएंगे। तो देखिए एक कलर थोड़ा चेंज हो गया है, तो फिर इसको हम उठा ही लेंगे और एक ठू कटोरी में रख देंगे। और फिर यहाँ पर वही कढ़ाई मतलब पैन में छोड़ रहा है मखाना, ये भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो इसको भी हम भून लिए हैं और फिर इसको भी उठा लेंगे। फिर इसमें छोड़ देंगे नारियल, कद्दूकस कर लिए हैं, सूखा नारियल है, तो इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हम उठा लेंगे। तो हम इसको उठा ले रहे हैं, देखिए घर भी कलर चेंज हो गया है। तो फिर एक बार मिक्सी ले लिए हैं और बादाम काजू छोड़ दिए हैं, और मखाना भी हम इसमें छोड़ देंगे। तो इसको हम दरदरा करके हम पीस लेंगे। तो पीस लिए हैं, देखे हमारे एकदम माहिन नहीं है, दरदरापन बा। और फिर नारियल जो हम भूजे थे वो भी इसमें हम मिला दिए हैं। तो ये हमारा कोई अभी तोलन ना गया जी कितना हम लिए हैं कि नहीं, लेकिन फिर देखे एक कटोरा से हम माप ले रहा है। तो ये कटोरा से हम माप लेने से हमको पता चल जाएगा जी कितना इसमें मीठा चाहिए। तो ये हो गया है हमारा 3 कटोरी। तो 3 कटोरी के बाद ये पर हम गुड़ ले लिए हैं, देखिए 1 कटोरी से मतलब थोड़ा कम। तो यहाँ पर वही पैन में हम थोड़ा घी दे दिए हैं 1 चम्मच, और फिर इसमें हम गुड़ छोड़ दे रहा है। तो गुड़ आप कम ही बेशी तो कर सकते हैं, मीठा जोन हिसाब से आप लोग के मीठा चाहिए वो हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। तो फिर वही में थोड़ा सा हम पानी दे रहे हैं। तो पानी हमारा लगभग आधा कप, जो चाय बनाने कप है वो कर आधा कप हम पानी इसमें छोड़ दिए हैं। तो ये गुड़ हमारा पिघल गया है। फिर ये जो हम बनाया है बादाम मखाना पीस के, तो वो छोड़ दे रहा है। छोड़ने के बाद इसको बढ़िया से हम मिलाएंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें इलायची पाउडर दे दे रहा है, इसका खुशबू बढ़िया आएगा। तो देखिए ये हमारा पूरी तरह से हम मिलाई ले लिए हैं देख लीजिए। तो फिर यहाँ पर हम गैस बंद कर दिए हैं और एक ठू प्लेट में हम निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा ठंड हो गया है, और फिर हम मतलब हल्का अभी ठंडा है, गरम गरम हम इसका लड्डू बना रहा है। तो बहुत बढ़िया लगता है, आप बना के रख दीजिएगा, खराब नहीं होगा इसी तरह से। तो देखिए हम बनाए हैं जन्माष्टमी के हैं, तो जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू बनाए हैं। व्रत में भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं, सबके मुंह मीठा भी कर सकते हैं। तो देखिए आप खुद थोड़ा चेक करके बताइए कैसे बने हैं नहीं, तो फिर हम तोड़ के भी आप लोग के दिखा रहे हैं। तो बाय, हेल्दी।